So, दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले किसी भी नंबर का डिटेल कैसे निकालें। यानी कि दोस्तों मान लीजिए आपके पास कोई भी कॉल आता है आपको सभी के नंबर पे एग्जांपल के तौर पे, इसके बाद आपको गाली गलौज या फिर आपके पास अभद्र बातें करने लगता है, आपको धमकी देने लगता है, तो आपके मन में बस एक ही डाउट आता है कि भाई इसका जो है नंबर डालकर सिम डिटेल निकाल लें कि किसके नाम से। इसी तरीके से मेरे दोस्त के साथ आज हुआ और मेरे पास कॉल किया कि भाई ये नंबर है इसका सिम डिटेल निकाल कर बताओ। तो जो है दोस्तों इस तरीके का अगर आपके साथ कंडीशन आ जाता है तो किस तरीके से पता कर सकते हैं या फिर इसका क्या सही तरीका होता है उसे आप लोग जान लीजिए। सबसे पहले आपको दोस्तों बता दें YouTube पे इस तरीके की ढेर सारी वीडियोस बनी है और उसमें कुछ प्रोसेस भी बताया जा रहा है, तो उस प्रोसेस को मैं यहाँ पर आपको बता दूँ। तो सबसे पहले उस प्रोसेस को बता देता हूँ, उसके बाद रियलिटी क्या है वो बता देता हूँ, ठीक है, किस तरीके से आप पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक वेबसाइट जो है बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है जो कि ये मोबाइल ट्रैकर है जिसके नाम से आप सिम डिटेल का जो है पता कर सकते हैं। चलिए इस पे मैं यहाँ पर चलता हूँ, क्लिक कर देता हूँ। आपको भी अपने मोबाइल फ़ोन में जाना है, इट ट्रैकर वेबसाइट पे चले जाना है। इसके बाद जैसे ही आप जाएंगे तो यहाँ पर ऐड आएगा, नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आना है। स्क्रॉल करके आएंगे तो यहाँ पर आपको अपना नंबर टाइप कर देना है, ठीक है, जो भी आपका नंबर है उसे यहाँ पर टाइप कर देना है। 10 डिजिट का आप नंबर यहाँ पर टाइप कर देंगे। जैसे ही नंबर आप टाइप कर देंगे इसके बाद ट्रैक नाव पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ट्रैक नाव पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखते हैं क्या रियलिटी वही नेम आता है या फिर नहीं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर कुछ भी नहीं आया, यानी कि यहाँ पर कुछ भी वेरीफाई करके नहीं आता है, क्योंकि दोस्तों आप सभी बता दें ये वेबसाइट बिल्कुल फेक है। इस तरीके से आप किसी भी का जो है डिटेल नहीं निकाल सकते, क्योंकि दोस्तों अगर मैं आपको बता दूं यूट्यूब की बात करूं तो यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ कि सिम डिटेल कैसे निकालें नाम से, तो यहाँ पर देखेंगे लाखों वीडियोज ऐसी आई हैं जिसमें लाखों में व्यूज़ भी आया है। तो मैंने काफ़ी लोगों का वीडियोज़ भी देखा तो यही तरीके बताए जा रहे थे और कोई भी रियलिटी बताने की कोशिश ही नहीं कर रहा है कि इस तरीके से नहीं होता और इस तरीके से जो है आप पता कर सकते हैं, और रियलिटी बताने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। मान लीजिए आपको पता ही करना है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, आपको गाली गलौज या फिर कुछ भी कर रहा है, आपको जानना ही है, तो अब बस आपको क्या करना है, आपको अपने पुलिस थाने या फिर चौकी पे जाना है, वहाँ पर एक FIR लिखना है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मुझे गाली दिया जा रहा है। तो पुलिस वाले क्या करेंगे, उनके पास एक सिस्टम होता है, यानी कि जैसे कि उनके पास मान लीजिए परमिशन होता है, यानी कि उनके पास एक ऐसी वेबसाइट होती है या फिर वो नेटवर्क से ऐसे कनेक्ट होते हैं जिसके थ्रू वो नंबर से डालते ही किसके नाम से वो सिम है सारा कुछ डिटेल निकल आता है, ठीक है। तो उस तरीके से आप जो है उस तरीके से आप FIR जब करेंगे तो उनका नाम पता चल जाएगा। और ऐसे कहें कोई भी वेबसाइट या फिर कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करके या फिर कोई भी YouTube पे वीडियो देखकर लाखों ऐसे वीडियो देख लेंगे आप, लेकिन आपका कोई भी तरीका वर्क नहीं करेगा, ठीक है दोस्तों, कोई भी तरीका वर्क नहीं करने वाला है। इसलिए आपको परेशान नहीं होना है, जो मैंने आपको बताया उस तरीके से आप चाहे तो किसी भी सिम के डिटेल निकाल सकते हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं निकाल सकते जो तरीका आपको बताया जा रहा है ट्रैकर वेबसाइट या फिर ये सब। तो ये रियलिटी है, ठीक है दोस्तों। और जैसे अगर मान लीजिए आप जाते हैं, और कई लोग ये भी बोलते हैं जियो सर्विस सेंटर पे जाएंगे, वहाँ पर जियो का जो वहाँ पर जहाँ से सिम लेते हैं तो वहाँ से हम डिटेल निकल जाएगी, वहाँ भी नहीं निकलेगा, ना तो एयरटेल वाले कोई नहीं देगा जब तक आप जो है FIR नहीं करेंगे। तो कुछ इसी तरीके से किसी भी नंबर का जो है सिम डिटेल को निकाला जा सकता है, और इस वीडियो में मैंने आपको सारा कुछ सच्चाई दे दी है, ठीक है। वीडियो कैसा लगा वीडियो को जरूर कमेंट करके बताएं, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को अगर आप सभी नए हैं प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय।